Good morning, everyone. One of the core value of BNI is recognition. And friends, recognition is one thing which elevates each and everyone. ये एक सारे individuals को ऊपर लेके आता है. ये recognition जब हम अपने chapter में कर रहे होते हैं, तो member बहुत ही ज़्यादा excited feel कर रहा होता है. इसी तरह के बहुत सारे recognition हम regional level के ऊपर कर रहे होते हैं. One of that recognition is a gold club member. फ्रेंड्स, आपके चैप्टर में भी बहुत सारे मेंबर होंगे जो कि गोल्ड क्लब मेंबर होंगे, जिन्होंने 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड. सो व्हाट इज दैट गोल्ड क्लब? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वो गोल्ड क्लब? गोल्ड क्लब इज अ क्लब वेयर व्हेन यू ब्रिंग 6 पीपल और मोर पीपल इन बीएनआई सिस्टम एंड यू आर लाइकिंग दैट सिस्टम, यू लाइकिंग दैट सिस्टम एंड ब्रिंगिंग मोर पीपल इन द सिस्टम, दे आर कॉल्ड गोल्ड क्लब मेंबर्स. एंड इफ समबडी हैज कंट्रीब्यूटेड 12 प्लस मेंबर्स, दे आर हैविंग 2 गोल्ड्स. समबडी हैविंग 18 plus members are 3 gold and somebody having 24 plus members are called 4 golds and so forth. Hamare region mein aise bhi members hain jinhone 45 se jyada logon ko system mein leke aaya BNI and they are quite excited about BNI and they have brought people in BNI. So that's what is a gold club members. Second recognition jo ki region ne chalu kiya hai wo hai crorepati giver pin. To crorepati given kya hai crorepati? Hum bar bar ye kehte hain ki BNI mein givers gain. So we wanted to appreciate people who are giving businesses to their fellow members. There are people who have given more than 1 crore rupees business to their fellow members within their chapter or any other chapter. So that is called a crorepati giver. I am very happy to and excited to share that there are totally 112 such crorepati givers in BNI Surat. 112 se jyada log hain jinhone ki crorepati givers hain, jinhone ki 1 crore se jyada ka dhanda diya hai. उसके ऊपर एक लेवल क्रिएट किया है हमने, बिकॉज बीएनआई सूरत तो आप कहें तो हर चीज का एक नया आयाम क्रिएट करता है. हमने 10 करोड़पति गिवर की पिन इंट्रोड्यूस की. और फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर दैट ऐसे भी 5 लोग सूरत बीएनआई में हैं जो कि 10 करोड़ प्लस बिजनेस उन्होंने बीएनआई सूरत के सिस्टम में दिया है. सो दैट इज कॉल्ड करोड़पति गिवर पिन. फ्रेंड्स, उसके अलावा 3 रिकॉग्निशन होते हैं. वो रिकॉग्निशन होते हैं एलटीआरटी में. महीने में एक बार एलटीआरटी होती है, लीडरशिप टेबल राउंड टेबल दैट इज कॉल्ड, जिसके अंदर पूरे के पूरे 19, आज की तारीख में बीएनआई सूरत में 19 चैप्टर हैं, 19 चैप्टर के सारी एलटी लीडरशिप टीम वहां पे आती है और महीने में एक बार आके अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करती है, सब लोगों से एक बार मिलती है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी लीडरशिप के लिए होती है वहां पे करने के लिए, क्योंकि 6 महीने तक आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हो, नए दूसरे चैप्टर्स के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हो और आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे होते हो और अपने चैप्टर के मेंबर्स के लिए भी बिजनेस लेके आ रहे होते. अब जो नए मेंबर हमारे चैप्टर में ज्वाइन कर रहे होते हैं, उनके पास में क्या अपॉर्चुनिटी? तो हमने 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है रिकॉग्निशन में. पहली अपॉर्चुनिटी है जो कि राइजिंग स्टार कहलाता है. राइजिंग स्टार वो मेंबर है जिसको जुड़े हुए बीएनआई से केवल 3 महीने हुए हैं और उसने किसी नए मेंबर को, किसी भी नए पर्सन को बीएनआई के सिस्टम में इंडेक्ट कराया है, दैट इज कॉल्ड राइजिंग स्टार. वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने आने के बाद में, मैं आपके साथ में इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, एक चैप्टर में अभी रिसेंटली एक राइजिंग स्टार है जो जिस दिन वो इंडेक्ट हो रहे थे उसी दिन उन्होंने अपने इंडक्शन को भी साथ में, अपने एक फ्रेंड को भी साथ में इंडेक्ट कराया. एंड ऑन द सेम डे ही वॉज अ राइजिंग स्टार on the day of launch or on the day of induction. So friends, second hai unsung heroes. ऐसे मेंबर्स जिनके पास में चैप्टर में कोई भी पोजीशन अवेलेबल नहीं है, ना तो वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, ना वो एमसी में हैं, ना वो मेंबरशिप कमेटी के पोर्शन हैं, ना वो बडिंग की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में बड़े बड़े चैप्टर हैं, 160 का भी हमारे पास में चैप्टर है, तो वहां पे करीबन 100-125 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास में कोई भी रोल नहीं है. और छोटे चैप्टर भी हैं, छोटे चैप्टर जिनमें 40-50-60 के लोग हैं, वहां पे भी कम से कम 30-40 मेंबर ऐसे हैं जो कि जिनके पास कोई रोल नहीं होता है और वो अपने चैप्टर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होते हैं जिसको कि हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं. दे आर कॉल्ड अनसंग हीरोज. देन वी कम टू द थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन. सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है जहां पे कि एक एमसी कमेटी मेंबर या कोई भी कोऑर्डिनेटर अपने काम को बखूबी रूप से करता है और हमको ऐसा लगता है कि वो एक स्टैंड आउट कर रहा है, एक ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एक स्टैंड आउट कर रहा है और अपने चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा है ट्रेनिंग करने के लिए. एक इवेंट कोऑर्डिनेटर ने कुछ ऐसा इवेंट किया जिससे कि सारे मेंबर्स एक्साइटेड हो गए. 1-to-1 कोऑर्डिनेटर ने कुछ ऐसा काम किया जो हटके था, जिसने कि कुछ ऐसा
ऐसा क्रिएट कर दिया कि जो पूरे रीजन में सब लोग उसके बारे में बात करने लग गए. पावर टीम कोऑर्डिनेटर ने कुछ ऐसा कर दिया. सो दे आर द कोऑर्डिनेटर्स और एमसी कमेटी मेंबर्स, दोज हु हैव डन समथिंग मीनिंगफुल फॉर देयर चैप्टर. And that's called a certificate of appreciation. और ये तीनों का recognition lead LTRT में होता है. हर महीने LTRT होती है. और friends, जब आप वहाँ पे आते हैं तो आपको 19 chapter की LT से मिलने का मौका मिलता है और आपकी एक networking होती है. भले ही आपको एक महीना, दो महीना, तीन महीना region के अंदर या chapter के अंदर हुआ हो, लेकिन आपको वो opportunity मिलती है जो शायद दो दो तीन तीन साल के members को अभी तक भी नहीं मिली है. So मैं आप सभी से request करता हूँ कि इन recognitions के बारे में जानिए और please feel excited about it and do a great networking. Happy networking, friends. Thank you. Thanks a lot.